हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आप सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यह टॉपिक यह है कि आखिर क्यों एजुकेशनल चैनल जल्दी ग्रो नहीं करता है। फ्रेंड्स, यह मेरा यूट्यूब चैनल है। आप देख सकते हैं कि इस चैनल पर मुझे वीडियो अपलोड करते हुए लगभग एक साल हो गए। फ्रेंड्स, ना ही अभी तक इस पे 1K सब्सक्राइबर हुआ है और ना ही वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, यानी हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों की रुचि नहीं है एजुकेशनल चैनल पर, रुचि नहीं है एजुकेशनल चैनल को देखने की, क्योंकि एजुकेशनल चैनल पर पढ़ाई लिखाई की बातें होती हैं और चैनल शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करता है और यह लोगों को पसंद नहीं आता है क्योंकि उनकी रुचि हंसी मजाक और वाहियात किस्म के चैनल सब्सक्राइब करने और वीडियो देखने की होती है। फ्रेंड्स, इससे हमारे समाज के युवा किस तरफ आकर्षित हो रहे हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। युवा ही नहीं, इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आप बताइए कि अगर इंसान पढ़ा रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है, तो उसमें हंसी मजाक तो नहीं लिखा होता है किसी किताब में कि हम आपको हंसी मजाक पढ़ाएं। चलिए ठीक है, अगर हंसी मजाक बता भी दिया तो क्या इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या इससे आपको एक बेहतर जीवन मिल जाएगा? फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है या पसंद आती है वो एक स्वीट पॉइजन की तरह होती है। पहले बहुत अच्छी लगती है और बाद में बहुत नुकसान देती है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे ही एजुकेशनल चैनल का सपोर्ट नहीं कीजिए, बल्कि बहुत सारे एजुकेशनल चैनल हैं जिस पर टीचर बहुत मेहनत करते हैं और कुछ मेंटोर हैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनका चैनल जल्दी ग्रो नहीं करता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसकी अपेक्षा कि जो हंसी मजाक वाले वीडियो होते हैं आप उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत देखते हैं और जल्दी से उनको एक होता नहीं कि बहुत बड़ा एक्टर या फिर नायक बना देते हैं। सबसे बड़े नायक तो वो हैं जो आपको शिक्षा देते हैं, आपके बेहतर जीवन की कल्पना करते, आपको एक बेहतर मार्गदर्शन देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हर एजुकेशनल चैनल का सपोर्ट कीजिए ताकि आपको एक बेहतर जीवन और बेहतर शिक्षा मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज मुझे यही बात करनी थी आप लोगों से, तो आशा करते हैं कि आप समझेंगे इस बात को। थैंक यू सो मच।